बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम गुलबाज़ है और आप देख रहे हैं वाइट स्पॉट उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि बिटकॉइन से आप लोग जायज़ कैश और ईजी पैसे में कैसे विड्रा ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी, तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि आप लोग बिटकॉइन से जायज़ कैश और ईजी पैसे में कैसे विड्रा ले सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मेरे पास ये कॉइन बेस का अकाउंट है। यहाँ पे देखें $9.88 मेरे पास मौजूद है। इसको मैं निकलवाऊँगा आप लोगों के सामने जायज़ कैश और ईजी पैसा के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप लोगों के पास कॉइन बेस का अकाउंट या ब्लॉकचेन का अकाउंट किसी में भी आपके पास, जारी बात है किसी न किसी अकाउंट में आपके पास ये बिटकॉइन के डॉलर्स मौजूद होंगे जिनको आप लोगों ने विड्रा करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग जो है ना यहाँ से लाइटकॉइन के डॉलर भी विड्रा कर सकते हैं जायज़ कैश और ईजी पैसा के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक जो है ना वैलेट का होना ज़रूरी है। BoxMail.com एक वैलेट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। इसमें जो है ना आप लोग बिटकॉइन के ज़रिए यहाँ से जायज़ कैश और ईजी पैसे में विड्रा ले सकते हैं। पूरा तरीका मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से काम कर रही है। और यहाँ पे इनके व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे इनका ये नंबर मिल जाएगा और इनके साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है, सिंपल। यहाँ पर साइनअप के ऊपर आकर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने फुल नेम लिख देना है, ई मेल लिख देना है, पासवर्ड, और वही पासवर्ड इधर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रिबॉट क्लिक करके कैप्चा सॉल्व कर लेना है। एग्री टर्म्स कंडीशन इसके ऊपर क्लिक करके आपने पढ़नी है, फिर इसके ऊपर क्लिक करके एग्री कर लेना और रजिस्टर के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को एक ईमेल सेंड किया जाएगा, ठीक है। ईमेल जो सेंड किया जाएगा उसमें आप लोगों के पास एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ये वाला पासवर्ड आप लोगों का नहीं होगा इसमें लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर I already have a membership, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा जो ईमेल के ज़रिए। वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो कैसे डालना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये देखें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन इन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे रेफर लिंक शो हो रहा है। अगर आप लोग इनके रेफरल भी बनाएंगे तो इनमें से भी आप लोगों को अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें डैशबोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है यहाँ पर अकाउंट पिन जनरेट करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आके आप लोगों ने अकाउंट पिन डालनी है। अकाउंट पिन आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है इसलिए यहाँ पे आप लोग मेरे से जो है ना ये मांग रहे हैं कि ओल्ड डालें, उसके बाद फिर न्यू डालें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डाल के आप लोगों ने इसको अपडेट कर लेना। ये अकाउंट पिन जो होगी ये आप लोगों के हर ट्रांजेक्शन में आप लोगों से पूछी जाएगी। इसको आप लोगों ने कहीं सेव कर लेना, ठीक है, और किसी को बताना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने विड्रॉ मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये करने के बाद आप लोगों ने मैनेज फंड के ऑप्शन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों यहाँ से कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट करना है। इसमें डिपॉजिट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने जायज़ कैश और ईजी पैसा में विड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट करके आप लोग जायज़ कैश और ईजी पैसा में विड्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिटकॉइन है, परफेक्ट मनी है, स्क्रिल है, पेई है, लाइट कॉइन है, जायज़ कैश और बैंक में भी आप लोग डिपॉजिट करके यहाँ से जायज़ कैश और ईजी पैसा में विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बिटकॉइन के अंदर यहाँ से डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम विड्रा लेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऑप्शन के ऊपर आकर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को एक बिटकॉइन एड्रेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए QR कोड भी दिया गया है और यहाँ पर बिटकॉइन एड्रेस भी दिया गया है। तो यहाँ पर इस एड्रेस को आप लोगों ने डबल क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने किसी भी जो आपका वैलेट है या कॉइन बेस का या ब्लॉकचेन किसी भी वैलेट है वहाँ से जाके आप लोगों ने बिटकॉइन का यहाँ पे आइकन शो हो रहा है तो व्यू असेस के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को सेंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने
वो जो एड्रेस आप लोगों ने कॉपी किया होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोगों ने श्योर कर लेना है कि ये एड्रेस सेम है, कोई चेंजेस तो नहीं, चेंजेस हुई तो आपकी पेमेंट ज़ाया होने का ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ पे 1PY और 93K ऑप्शन आ रहा है, तो आखिर में आ रहा है, तो यहाँ पे 1PY 93K, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लिक कर देना, तो यहाँ पे सेंड मैक्स, सेंड मैक्स से मुराद जितने भी आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट होगी वो आप लोग इनको सेंड कर सकते हैं। तो सेंड मैक्स के ऊपर मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें $9.63 मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मैक्सिमम इसके अंदर हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके लिए कोई मैसेज आप लोग लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको जो है ना समझ आ जाता कि मैंने यहाँ से डिपॉजिट किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है ना मोबाइल के ऊपर जो है ना वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कोड आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास ना आए तो आप रीसेंड के ऊपर क्लिक करके आप इसको मज़ीद जो है ना दोबारा अपना कोड यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन इज़ ऑन दी वे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपकी लग चुकी है। और व्यू डिटेल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखें आपके पैसे यहाँ से कट चुके हैं, और यहाँ पे सेंड के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों को अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। यहाँ पे जब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट ऐड हो जाएगी। तो जब तक कंफर्म होती है उसके बाद हम वीडियो आगे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारे पास जो है ना पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे देखें आप लोगों को मैं यहाँ पे कंफर्म करके दिखा देता हूँ कि ये देखें कंप्लीटेड हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना मुझे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक 25 मिनट तक लगे हैं कंफर्म होने में। और यहाँ पे हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें अभी तक उसी स्क्रीन के ऊपर हम मौजूद हैं। तो दोबारा मैं अपने डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख लेता हूँ हमारे पास पेमेंट ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों के सामने डिपॉजिट हो चुका है, और यहाँ पे देखें 23 मिनट है को यहाँ पे 1590 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अवेलेबल बैलेंस के अंदर भी ये पैसे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे लाइव करके दिखाया है। अभी यहाँ से आप लोगों ने जैज़ कैश और इजी पैसे में कैसे विड्रा करना है, सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब तक कंफर्म नहीं होता उस वक्त तक आप लोगों यहाँ पे इसको आप लोगों के वैलेट के अंदर शो नहीं होगा। बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि यार हमने सेंड किए लेकिन पेमेंट शो नहीं हो रही, तो इस चीज़ को आप लोगों ने कन्फर्म श्योर कर लेना है कि जब तक यहाँ पर कंप्लीटेड ना लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों ने दोबारा आप लोगों को आपके पेमेंट ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जैज़ कैश और इजी पैसे में कैसे विड्रा लेना है, यहाँ पे 2332 रुपये यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, और अभी हम यहाँ से विड्रा लेंगे जैज़ कैश के अंदर। तो यहाँ पे मैनेज फंड के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे विड्रा का ऑप्शन आ रहा होगा इसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे विड्रा मेथड के आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चेंज विड्रा मेथड के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पे जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों शो हो रहे हैं। जिसके अंदर भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर चेंज कर लेना। तो मेरे यहाँ पर ऑलरेडी एडेड हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये जैज़ कैश का ऑप्शन है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोगों ने शुरू में कैसे करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले इंटर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर कौन सा होता है, जो आप लोगों का मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। वो आप लोगों ने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर अकाउंट होल्डर नंबर, तो आपको जिस नाम के ऊपर आपकी सिम होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपना, जैसे कि मेरे नाम पे मोहम्मद गुलबाज के नाम पे ये सिम है तो मैंने अपने नाम ही डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना पिन कोड, जो आप लोगों को मैंने बताया था जो आप लोगों ने यहाँ पे जनरेट की थी पिन कोड, वो हर जगह पे आप लोगों को यूज़ होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल के अपडेट नाउ के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को जैज़ कैश का जो पेमेंट मेथड है वो आप लोगों को यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी फिर उसके बाद आप लोगों ने मैनेज फंड के ऑप्शन के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा उसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और जैसे आप विड्रॉ मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों ने जितने पेमेंट मेथड यहाँ पे सेव किए होंगे विड्रॉ मेथड के, वो आप लोगों को यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अब जैज़ कैश के अंदर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैज़ कैश आ गया, यहाँ पे मैंने इंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे मेरी अमाउंट जो थी तकरीबन 2300 रुपये थी, तो मैं 2300 यहाँ से विड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे 2300 लिखा मैंने, उसके बाद विड्रॉ रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये 2300 में से 2286 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे, और यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स 0.06% विद होल्डिंग टैक्स है। तो यहाँ पे मैं अपना कोड डाल देता हूँ, आपकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों ने कंफर्म कर लेनी कि आपकी यही है या कोई और है। यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ, तो 5 डिजिट का यहाँ पे पिन कोड होता है जो कि आप लोगों ने जनरेट किया हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने डाला, उसके बाद इसका रिवॉर्ड को मैंने यहाँ पे कैप्चा सॉल्व किया,
कैप्चा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कंफर्म विड्रॉ के ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24 घंटे का इसका टाइम होता है, लेकिन यह है कि ये 4 से 5 घंटों के अंदर यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाती है। तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें मेरी पेमेंट यहाँ पे लग चुकी है और यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। 12 सेकंड पहले यहाँ पे मैंने लगाई थी। तो ये जो है ना आप लोगों को जैस कैश रिसीव पैसे के अंदर यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाती है। तो यार ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करके हमें से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।